बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जो आज की वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तादाद जो कमेंट्स बॉक्स में आती है वो इंक्वायरी से रिलेटेड आती है, और उनमें से बहुत ज़्यादा ये पूछ रहे होते हैं कि इंक्वायरीज़ की कौन सी डेट्स जा रही हैं, यानी कि किन लोगों ने जो सबमिशन करवाई हुई थी उन लोगों की इंक्वायरीज़ हो रही हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि किन लोगों की जो है करंटली इंक्वायरी हो रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन है, लाजमी विज़िट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्रीवियसली जब आप लीगलाइजेशन की सबमिशन करवाया करते थे तो उसी के दरमियान ही आपकी इंक्वायरीज वगैरह हो जाया करती थी। अगर कोई इश्यूज आता था तो आपके डॉक्यूमेंट ही लीगलाइज नहीं थे हुआ करते और आपका इंक्वायरीज का प्रोसेस चलता था। लेकिन करंटली क्या हो रहा है कि आपकी लीगलाइजेशन भी हो जाती है, लीगलाइजेशन के बाद आप सबमिशन करवाते हो, सबमिशन के बाद आप लोग वेट कर रहे होते हैं कि हमें कॉल आए कि वीज़ा लग गया। तो आपको कॉल जो आजकल आ रही हैं वो इंक्वायरीज़ की आ रही हैं कि आप आएँ जो है एम्बेसी या जारी की सेंटर में आएँ और आकर अपनी फ़ीस वगैरह पे करें, जो कि 40,000 होती है, चाहे आपका एक बच्चा हो, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे सिंगल वाइफ हो, तो 40,000 ही इंक्वायरी फ़ीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है। और उस उसकी पेमेंट होने के बाद इंक्वायरी ऑफिसर, आपका ससुराल, आपके मेके, आपकी यूनियन कौंसल, सोशल इंक्वायरी, ये चार इंक्वायरीज करता है और उसके बाद जाकर रिपोर्ट एम्बेसी को दे देता है। अगर एम्बेसी सेटिस्फाइड होती है तो आपको वीज़ा लगा देते हैं, अगर सेटिस्फाइड नहीं होते तो आपको ऑब्जेक्शन बता दिया जाता है कि ये ऑब्जेक्शन है, इसको क्लियर करें। तो करंटली आप सभी लोगों के जेहन में जो क्वेश्चन है वो यही चाह रहा है कि आजकल किन लोगों की इंक्वायरीज हो रही हैं। तो जिन लोगों ने मार्च के महीने में अपनी फाइल की सबमिशन करवाई हुई थी तो आजकल उनको कॉल्स आ रही हैं, यानी कि इस वीक उन्हीं को कॉल्स आई हैं कि अगर आप अपनी इंक्वायरी फ़ीस दें। अच्छा, अब इंक्वायरी फ़ीस की इन सभी लोगों को कॉल जो आई है वो 6 अगस्त की आई है, उसका भी एक बड़ा इशू बना कि लोगों ने फिर से मुझे कॉल की कि यार 6 अगस्त को तो संडे बन रहा है। जनरली मैंने उनको यही कह दिया था कि आप मंडे को चले जाएँ और मंडे को जाकर सबमिशन करवाइएगा। तो फिर मीनवाइल उनकी करेक्शन की उन्हें कॉल्स आती हैं कि आप को हमने पहले कॉल किया वो 6 अगस्त की कर दी थी कि जो कि गलती हो गई हमसे, तो आप जो है 7 अगस्त को आकर आप अपनी इंक्वायरीज़ की जो है फ़ीस जमा करवाएं। आपको सिंपली सा आपने जेरी फेडेक्स या एम्बेसी जहाँ जहाँ के भी कॉल है वहाँ पर जाना है, जाकर वहाँ पर आपने चलान लेना है, चलान में जाकर आपने सेलेक्ट करना है कि किसकी इंक्वायरी आप चाह रहे हैं। ज़्यादातर लोग कुरैशी वाले हैं या मनीर एंड मनीर वाले हैं, इनका आपने चलान फॉर्म वगैरह भर के जो नॉमिनेटेड बैंक का वहाँ पर जाकर अपने फ़ीस जमा करवानी है, और एक कापी आपने लाकर जारी को दे देनी है, और उसके बाद आपने वेट करना है। सिंपल सा ये प्रोसेस है। तो करंटली जो कॉल्स आ रही हैं वो आ रही हैं मार्च वालों को। मीनवाइल अगर आप अपने फाइल की प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंट्स की करेक्शन, ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग, डलेगा, ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म, ऑफलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म, या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।